सर वो उसमें सेल रिएक्शन लास्ट टॉपिक था सर। क्या था? सर सेल रिएक्शन लास्ट टॉपिक था वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सेल रिएक्शन कह रहा था, पढ़ के जरा बताओ क्या था। लास्ट टॉपिक तो इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज होगा। नहीं सर वो सेल रिएक्शन के क्वेश्चंस किए थे बस। मुझे पढ़ के बताओ लास्ट, आपको जो सर फॉर्मूला का हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल के फॉर्मूला फॉर्मूला दिए थे और उसके क्वेश्चन भी किए थे। अच्छा कौन सा सेल था लास्ट, अच्छा ये बता पाओगे? अरे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट केमिकल के। सर अच्छा, अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेल पे हैं, तब तो बहुत बाकी है। अच्छे से देखो जरा, उसके पहले उसके बाद कुछ और होगा, तो उसके बाद है ना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन आई है, ठीक नहीं उसके बाद हाँ सर आइए क्वेश्चन। है? नेक्स्ट इक्वेशन के बाद क्या आया है? सर सेल रिएक्शन दिया था ऐसे और फिर क्वेश्चंस के। सर अच्छा नेक्स्ट इक्वेशन में कौन कौन सी इक्वेशन आई वो बताओ। ई नॉट ओपी फिर ई नॉट आरपी ठीक है, उसके बाद? ई नॉट ओपी इक्वल टू माइनस ऑफ ई नॉट आरपी। ठीक है, इसके बाद और कौन सा फॉर्मूला बताया? सर ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। ठीक सर फिर उसके बाद सर के क्वेश्चंस किए थे। आपने बोला कि ई नॉट सेल अगर मतलब दोनों रिडक्शन होंगे तो ई नॉट सी माइनस ई नॉट ए फॉर्मूला। हाँ, ठीक। तो इसमें आपको वो वाले क्वेश्चन बता दिए थे जब सेम मेटल के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, हाँ सर बता दिए थे ना? यस यस और पीएच वाले क्वेश्चन बताए थे? नो नो सर पक्का देख लो एक बार। नहीं सर। ठीक, अरे अभी तो बहुत बाकी है चैप्टर। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ।
देखिए जरा, अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करें तो फर्स्ट वाला पार्ट आप देखिए, ये रिएक्शन बनेगी आपकी, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा, याद रखिएगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहे ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन वो जीरो होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो उसकी जगह पे हमने जीरो रख देना है इसकी जगह पे, तो ई के साथ ये रिलेशन आपको मिल जाएगा, एन की जगह पे वन आएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो ई इज इक्वल टू क्या हो गया -0.059 log H plus, और हमको पता है अगर H plus हमें मिल जाए तो pH मिल जाएगा, pH is equal to minus log H plus होता है, समझ आ रहा है कि नहीं? आप चाहें तो इस फॉर्मूले में रीअरेंज कर लें, pH की जगह माइनस log H plus होता है, तो E is equal to क्या लिख सकते हैं, माइनस कैंसिल हो जाएगा, E is equal to -0.59 pH लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? Yes. अगर इस वैल्यू को उठा करके आप ऊपर वाले फॉर्मूले में रख दें तो क्या आ जाएगा, E is equal to 0.059 pH आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। तो ये आपके कैलकुलेशन को इजी बना देता है, बाद में करेंगे इसको। फिर आते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, अगर हम इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे तो E जो है हमारा वो जीरो होता है, E सेल, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, नेक्स्ट इक्वेशन जिसे बोला है हमने, ठीक है। अब इसमें अगर E सेल जीरो हो गया तो E नॉट इज इक्वल टू, हमको ये हमारा जीरो आ रहा है यहाँ से, एक तो E नॉट सेल इज इक्वल टू -0.59 अपन लॉग प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, जिसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी भी बोलते हैं, तो ये हमारा केसी के साथ रिलेशन आ गया। इसी तरह ये G के साथ डेल्टा G नॉट के साथ है, फ्री एनर्जी चेंज जिसे हम बोलते हैं 2.303 RT log KC, फॉर्मूले नोट करिए, इनके क्वेश्चंस पर आते हैं। कॉपी हो गया, वन मिनट से। डन? यस सर।
स्टार्ट किया सॉल्व करना.
कितने सॉल्व हो गए भाई? हुआ कि नहीं हुआ सॉल्व? सर फर्स्ट वाला करिए, जल्दी करिए।
फर्स्ट मैच कर रहा है आपका? क्यों भाई? हाँ वही है। ठीक है, सर डेल्टा जी का फॉर्मूला माइनस एनएफसी कैसे है सर? ये आपका थर्मोकेमिस्ट्री का रिलेशन है। थर्मोकेमिस्ट्री में नहीं पढ़ा ये फॉर्मूला सर? वो ऊपर वाला पढ़ा। हाँ तो वही तो किया है मैंने, एनएफई तो लिखा है मैंने भी। तो वो नहीं है 2.303 आरटी वाला। अरे वो तो उसको रीअरेंज कर दो तुम, ई की एनएफ जो डिनोमिनेटर में उसको ऊपर ले जाओ तो डेल्टा जी के इक्विवेलेंट नहीं हो जाएगा वो फॉर्मूला। ओके सर। तो रीअरेंज करके लिखा है।
मैंने दोनों सॉल्व किए हैं, मैच कर रहे हैं आपके कि नहीं कर रहे हैं? हाँ कॉपी करना है तो कर लीजिए इसको, इसके आगे बढ़ते हैं। करिए जल्दी कॉपी सर। हो गया सर, वन मिनट। हो गया कॉपी सर? लास्ट सर डन। ओके
देखिए जरा, कॉन्सेंट्रेशन सेल की बात कर रहे हैं, ये वो सेल है जहां पर इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस जो है वो ईएमएफ जनरेट करता है। तो पहला हमारा जो है इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल है, जहाँ दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। आपको यहाँ पर देखो दिखाया, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है जिसमें इलेक्ट्रोड्स आपके हाइड्रोजन के हैं, कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर रहा है, एक C1 और एक C2 है। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन दिखाया, कैथोड पर रिडक्शन दिखाया और दोनों को ऐड किया तो ये रिएक्शन आ गया। ऐसे सेल में क्योंकि दोनों मटेरियल एक ही है इसलिए ई नॉट सेल हमेशा जीरो रहेगा, फिक्स सही है। लास्ट इक्वेशन ये रही। आप देखिए हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं, पर यहाँ पे हमने C2 by C1 लिखा है इसलिए अंदर का साइन जो है पॉजिटिव लिख दिया। साइन का जरूर ध्यान रखिएगा। C2 by C1 लिखने के पीछे जो रीजन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रीजन ये है कि अगर C2 जो है ग्रेटर देन C1 होगा तभी EMF जनरेट होगा, और जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है वही कैथोड बनता है। बात समझ आ रही है आपको? हाँ सर। करिए कॉपी। सर बोलिए। सर इसमें ई नॉट सेल जीरो क्यों रहेगा? आप बताओ ना, अगर आपने दोनों कॉपर के इलेक्ट्रोड ले लिए ठीक है, तो ऑक्सीडेशन भी उसी का और रिडक्शन भी उसी का, तो इक्वल एंड ऑपोजिट होके जीरो नहीं हो जाएगा? हाँ सर, इसलिए समझा। सर और वो पीटी क्या है? प्लेटिनियम। ओके। सर डन, सबका हो गया? यस सर। ठीक है।
देखिए जरा, अगर हमने इलेक्ट्रोड के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया, एक का P1 दूसरे का P2 रखा है, सब कुछ सिमिलर होगा, फॉर्मूला भी देखिए सेम बन रहा है। अब की ई सेल अगर आपको चाहिए तो P1 को ग्रेटर होना चाहिए और जिसका हाई प्रेशर होगा वो एनोड बनेगा, इतना ही डिफरेंस आता है दोनों के बीच में। करिए डन सर। सबका हो गया? हाँ सर।
देखिए जरा, कॉमर्शियल सेल्स में प्राइमरी और सेकेंडरी सेल होते हैं। प्राइमरी जो वन टाइम यूज होते हैं, जो आपकी वॉल क्लॉक वॉचेस में लग रहे हैं, ड्राई सेल जिसे आप बोलते हो। सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल बैटरी है, जो कार बाइक में लग रही है, यूपीएस में लगती है, इन्वर्टर्स में लगती है, लेड बैटरी। तो पहले ड्राई सेल आपको बताया, इसमें एनोड जिंक का, कैथोड कार्बन का होता है और इलेक्ट्रोलाइट में ये यूज होते हैं, ये हमें याद रखने होते हैं। इसका ईएमएफ जनरली 1.35 वोल्ट होता है। दूसरा है आपका लेड स्टोरेज बैटरी, जहाँ एनोड लेड का है, कैथोड ग्रिड ऑफ लेड का है, जिसमें PbO2 भी होता है, और इलेक्ट्रोलाइट में 38-40% H2SO4 है, यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन दिया है। ये रिएक्शन आपको जो दी है वो डिस्चार्ज रिएक्शन है। अगर रिचार्जिंग की बात करेंगे तो इसका रिवर्स हो जाता है, पर सेल 2 वोल्ट निकलता है, 2 वोल्ट रिलीज होता है यहाँ पे। ठीक है, करिए कॉपी इसको।
सर डन।
देखिए जरा, एनी और एफ जो बैटरी आपको बताई है वो भी रिचार्जेबल बैटरी है, ठीक है। एफ का एनोड और निकल का कैथोड यूज होता है, एडिशन बैटरी भी बोलते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाया है जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे है। आप देख पा रहे हैं लिथियम को टॉप पे रखा है, सबसे ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है। जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, वो वैल्यू जीरो से पॉजिटिव होती जा रही है। ठीक है, तो जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, ठीक है, वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसलिए लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे रिड्यूसिंग पावर क्या होती जाएगी, डिक्रीज होगी। अगर रिड्यूसिंग डिक्रीज होगी तो ऑक्सीडाइजिंग क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जिसका जितना ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर होता है उसका ऑक्साइड उतना ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए जितने एलिमेंट्स बिलो हाइड्रोजन है उनके ऑक्साइड बहुत कम स्टेबल होते हैं, आसानी से डीकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। एफई के ऊपर जितने भी हैं वो वाटर के साथ हाइड्रोजन जरूर रिलीज करेंगे। अगर आप उसका क्लासिफिकेशन देखें तो मैग्नीशियम तक जितने भी हैं वो कोल्ड वाटर से या रूम टेम्परेचर पे देंगे, और एमजी से लेके एफई तक के बीच के जो एलिमेंट्स हैं वो हाई टेम्परेचर पे देंगे। सर अबव एमजी मतलब एमजी के लेफ्ट साइड में ना? हाँ, वो देखो ना सीरीज एमजी दिखा आपको, ये yes, सर ये एमजी एमजी ये सर एमजी के लेफ्ट साइड में ना, अबव एमजी। हाँ हाँ, और एफई के राइट साइड में। हाँ हाँ, ओके। ये ऐसे आप पकड़ सकते हो उसको, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ऐसे। नोट कर लीजिए इसको जरा। कॉपी हो गया? हाँ सर, हो गया। ठीक है, ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है, ठीक है। अब आप इसका मॉड्यूल सॉल्व कर लेंगे तो नेक्स्ट में हम इसका मॉड्यूल डिस्कस कर पाएंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट में मुझे पी ब्लॉक स्टार्ट करना पड़ेगा। मॉड्यूल में क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी हैं, अगर आपने ट्राई किया होगा प्रीवियसली कुछ पार्ट तो आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ सर, वो 62 आपने बोला था ना, वो क्या? हाँ, अब आगे 1-60 के लिए भी जो आज हमने आपको फॉर्मूले बता दिए नस्ट के इक्वेशन में, के एस पी वाले हैं, डेल्टा जी वाले हैं, पीएच वाले हैं, और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सर और कितने चैप्टर बाकी हैं पूरा सिलेबस में? इनऑर्गेनिक सॉरी फिजिकल में तो दो रह जाएंगे मेरे ख्याल से, इसके बाद एक सॉलिड स्टेट रह जाएगा और एक सरफेस केमिस्ट्री रह जाएगा। सर और पी ब्लॉक? हाँ, इनऑर्गेनिक में आता है ना वो, इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, मेटलर्जी, कोऑर्डिनेशन, क्वालिटेटिव, 4-5 बाकी हैं उसके बस। तो आपकी तरफ से मतलब? तो मतलब आप सिखाने वाले ना वो सब? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलो आप लोग इसको करो, मॉड्यूल सॉल्व करोगे तो नेक्स्ट पे डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर मैं पी ब्लॉक स्टार्ट करूंगा। ओके, ठीक है गाइस, चलो बाय। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सो मच सर, बाय बेटा।